हेलो चिल्ड्रन, मैं अभय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ड्राइंग। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको 5003 नंबर से बहुत ही आसान तरीके से पिकॉक का चित्र बनाना सिखाएंगे। आपने बिल्कुल सही सुना प्यारे बच्चों, मोर का चित्र। तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा। अगर आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो ये मेरी गारंटी है, 100% गारंटी है प्यारे बच्चों, आपको जो है 5003 नंबर से बहुत ही आसान तरीके से पिकॉक का चित्र बनाना आ जाएगा। यहाँ पे आप पहले ऐसे एक 5 लिख दीजिएगा। 5 लिखने के बाद आपको करना क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप ऐसे बीच में एक 0 लिखिएगा, फिर इसके बाद एक 0 हम यहाँ पे आगे की तरफ लिखेंगे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा प्यारे बच्चों। अब आप हमें जो है टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ पे आप जाके हमें टिकटॉक पे फॉलो कर लीजिए प्यारे बच्चों। 5003 इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको लिखना होगा 3। ये हो गया हमारा 3 प्यारे बच्चों। अगर आप चाहते हैं मैं कोई और ड्राइंग बनाऊं तो भी आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपके लिए वो ड्राइंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको बनाना सिखा देंगे प्यारे बच्चों। 5003 लिखने के बाद अब देखिएगा, अब आपको करना क्या है, यहाँ पे एक 0 यहाँ पे भी लिखना होगा प्यारे बच्चों। इसी तरह एक 0 यहाँ पे भी लिख दीजिएगा। बहुत ही आसान तरीके से मैं आज आपको जो है पिकॉक का चित्र बनाना सिखा रहा हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पे भी 0, एक 0 यहाँ पे भी 0 लिखने के बाद आपसे मेरा एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन भी है प्यारे बच्चों। अगर आपको जो है पिकॉक की स्पेलिंग आती है तो आप हमें जो है पिकॉक की स्पेलिंग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करिएगा। फिर इसके बाद इस जो हमने 0 लिखा है, इसको हम मार्कर की हेल्प से इसको जल्दी जल्दी से ब्लैक कर देते हैं। यहाँ पे भी ऐसे ब्लैक कर दीजिएगा। इसको भी हम इसी तरह सेम प्रोसेस रिपीट करते जाएंगे प्यारे बच्चों। यहाँ तक हो जाने के बाद अब देखिएगा, अब आपको करना क्या है, एक 3 यहाँ पे भी लिखना होगा। ये हो गया हमारा 3। देखिए, मैं आज आपको जो है नंबर की हेल्प से पिकॉक का चित्र बनाना सिखा रहा हूँ प्यारे बच्चों। तो आप वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा, लास्ट तक देखते रहिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा प्यारे बच्चों। यहाँ तक हो जाने के बाद अब आपको बहुत ही ध्यान से देखना होगा। देखिएगा प्यारे बच्चों, इसको हमें जो है ऐसे एक हाफ यहाँ पे ऐसे एक लाइन ड्रॉ करना होगा। छोटी सी लाइन ड्रॉ करने के बाद इसको थोड़ा सा और ऊपर की तरफ कर दीजिएगा। फिर ऊपर की तरफ यहाँ पे हम एक ऐसे हाफ सर्किल ड्रॉ कर देंगे। हाफ सर्किल ड्रॉ करने के बाद प्यारे बच्चों, एक सीधी लाइन आप यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिएगा। यहाँ तक तो हो गया हमारा। फिर इसके बाद यहाँ पे 1 2 3 छोटी छोटी लाइन ड्रॉ करने के बाद एक ऐसे मार्कर की हेल्प से आप इसको ब्लैक कर दीजिएगा। ब्लैक करने के बाद यहाँ पे भी आपको ऐसे छोटे छोटे सर्किल ड्रॉ करना है, यहाँ पे भी कर दीजिए। फिर इसके बाद इसको जो है मार्कर की हेल्प से बहुत ही आसान तरीके से ब्लैक कर दीजिएगा। ब्लैक करने के बाद यहाँ पे भी आप ऐसे 3 लिख दीजिएगा। इस 3 को हम ऐसे टच कर देंगे। फिर यहाँ पे भी आपको ऐसे 3 लिखते जाना है। कितना आसान है प्यारे बच्चों, यहाँ पे भी आप 3 लिख दीजिएगा। 3 लिखने के बाद अब देखिएगा, यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे भी आप एक ऐसे हाफ सर्किल ड्रॉ करते हुए इस वाले पोर्शन से हम ऐसे मिला देंगे। यहाँ पे हमारा थोड़ा सा नहीं मिला है तो इसको आपको जो है यहाँ पे ऐसे मैच करना होगा। मैच करने के बाद यहाँ पे आप ऐसे V लिखिएगा, फिर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। यहाँ पे भी इसी तरह कर दीजिए, फिर नीचे की तरफ छोटी छोटी लाइनें ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ पे भी कर दीजिएगा। और इसको मार्कर की हेल्प से या पेंसिल से बना रहे हैं तो पेंसिल की हेल्प से पूरा ब्लैक कर दीजिएगा। ब्लैक करने के बाद अब देखिएगा, यहाँ पे नीचे की तरफ भी आपको ऐसे 3 लिखना होगा। यहाँ पे ऐसे मिला देंगे बहुत ही आराम से। सेम प्रोसेस हम यहाँ पे भी रिपीट कर देंगे। यहाँ देखिए कितना आसान है प्यारे बच्चों, यहाँ पे भी ऐसे 3 लिखते जाइए और इसको हम ऐसे मिला देंगे। मिलाने के बाद यहाँ पे हम पीकॉक की आई बना देंगे प्यारे बच्चों। यहाँ पे भी इसे मार्कर के से आप ऐसे छोटे छोटे सर्किल ड्रॉ कर दीजिएगा। और यहाँ पे भी सर्किल ड्रॉ करने के बाद अब आप चाहें तो इस लाइन को ऐसे मैच भी कर सकते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे भी मिला दीजिए। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी ऐसे रिपीट करते जाइएगा। बहुत ही आराम से करिएगा, कोई जल्दबाजी मत करिएगा। यहाँ पे भी ऐसे मिला दीजिए, यहाँ पे छोड़ दीजिएगा प्यारे बच्चों। फिर इसको हम ऐसे मिला देंगे और इनकी जो पिकॉक का चोंच है इसको मार्कर के से आप ब्लैक कर दीजिएगा। अब चाहें तो आप जो है इस पिकॉक को जो है कलर भी कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा प्यारे बच्चों।